हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा फाड़िया। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं अपने बेटे की फरमाइश पर बनाने जा रही हूँ चॉकलेट रेसिपी। उसे चॉकलेट बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना चॉकलेट घर पर ही बना ली जाए। चॉकलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक ग्राइंडर जार। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब कोको पाउडर। हम यहाँ पर जितना कोको पाउडर लेंगे उतनी ही क्वांटिटी में हमें यहाँ पर चीनी लेनी होगी। चीनी यहाँ पर मैंने पीसी हुई ली है। 2 चम्मच हमने यहाँ पर कोको पाउडर लिया है तो चीनी भी हमें 2 चम्मच ही लेनी है। ये देखिए, अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये मेल्टेड बटर। जितना आप कोको पाउडर लेते हैं उसका डबल हमें बटर लेना होता है। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर 3 चम्मच के करीब मेल्टेड बटर लिया है। ज़रूरत पड़े पर मैं इसमें और भी ऐड करूँगी। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच मिल्क पाउडर। जितना आप कोको पाउडर लेते हैं उसका आधा हमें मिल्क पाउडर लेना है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट रेडी करेंगे। ये देखिए, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगे हैं हमें और इसका एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट रेडी हो गया है। अभी भी ये मिक्सर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। इसके अंदर हम 1 चम्मच बटर और ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर 1 चम्मच बटर और डाल के इसे मिक्स कर लें, वापस ग्राइंड कर लें। उसके बाद इसे किसी एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें ताकि हमें इसे मोल्ड में डालने में आसानी हो। ये देख सकते हैं आप हमारा बैटर। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब चॉकलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है ये आइस ट्रे। जी हाँ, मैंने यहाँ पर आइस ट्रे ली है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर चॉकलेट मोल्ड नहीं है और मेरे पास आइस ट्रे इस तरह की है जिसके नीचे अगर आप पुश करते हैं तो बहुत ही इजीली इससे आइस निकल कर बाहर आ जाती है। इसीलिए मुझे आइडिया आया क्यों ना हम चॉकलेट इसी में बना लें। आप चाहे तो यहाँ पर चॉकलेट मोल्ड भी ले सकते हैं, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि उसमें चॉकलेट को बनाना और निकालना बहुत ही इजी होता है और उसमें चॉकलेट के जो शेप्स है वो तरह तरह के आते हैं। उसे देख कर ही बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इतने इम्प्रेस हो जाते हैं बच्चे उसके शेप्स को देख कर। यही डिफरेंस आता है और उसमें से चॉकलेट को निकालने में बहुत आसानी होती है। ये देखिए, इस तरह से हम स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा बैटर इसके अंदर डालते जाएंगे। जितनी बड़ी या छोटी हमें चॉकलेट बनानी है, मैं सिर्फ इसको आधा आधा ही फिल करूँगी क्योंकि यहाँ पर हम चॉकलेट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, वरना बच्चे एक ही बार में सारी खा जाएंगे। हमें बहुत सारी चॉकलेट उनको एक साथ नहीं देनी होती है। ये देखिए, इस तरह से हम थोड़ा सा इसे टैप कर लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए और इसके आसपास जो थोड़ा सा मैसी हो गया है उसे हम टिश्यू पेपर की हेल्प से क्लीन कर लेंगे। अब हम इसका ढक्कन लगाकर लगभग घंटे भर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, 1 घंटा हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि जब हमने चॉकलेट सेट होने के लिए रखी थी तब चॉकलेट कम थी, अब चॉकलेट ज़्यादा कैसे हो गई। मेरे बेटे के कहने पर मैंने यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में थोड़ी सी चॉकलेट और बनाई थी जस्ट वो चॉकलेट रखने के बाद ही, और उसमें से 2 चॉकलेट हम लोग अभी खा भी चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। और नेक्स्ट राउंड में जब मैंने चॉकलेट बनाई थी तब उसके अंदर 1 चम्मच बटर और ज़्यादा ऐड किया था, इससे कि वो और भी ज़्यादा बटरी लगे। उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ। जितना ज़्यादा लिक्विड हमारा बैटर होगा उतनी ही अच्छे से हमारी चॉकलेट जो है वो जमेगी। बहुत ज़्यादा लिक्विड हमें नहीं करना है, बस एक पोरिंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए हमारा बैटर। ये देखिए, हमारी चॉकलेट कितनी इजीली बाहर निकल के आ रही है क्योंकि मेरे पास जो आइस ट्रे है वो नीचे से हल्का सा इस तरह से प्रेस करने पर बहुत ही इजीली बाहर निकल कर आ जाती है, चाहे वो आइस हो या चॉकलेट। हमें यहाँ पर जितनी चॉकलेट खानी है उतनी ही बाहर निकालेंगे वरना वो मेल्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको चॉकलेट मोल्ड में चॉकलेट बनाकर बताऊँगी। बाकी चॉकलेट हम फ्रिज में वापस रख देंगे। चॉकलेट मोल्ड में चॉकलेट बनाने से आपके बच्चे जो है वो बहुत ही इंप्रेस हो जाएंगे क्योंकि उसमें शेप्स बहुत ही प्यारे प्यारे आते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे कॉर्नर पे शो किया है चॉकलेट मोल्ड। चॉकलेट के शेप से आपके चॉकलेट के टेस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।